रसराज पंडित जसराज के प्रतिभावान शिष्य एवं संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित श्री गौतम काले के भव्य गायन में भारतीय संगीत के सुनहरे स्वर्णिम भविष्य के दर्शन होते हैं। श्री गौतम काले ने संगीत की आरंभिक शिक्षा अपने पिता डॉक्टर किशोर काले से प्राप्त की, जो अच्छे गायक और तबला वादक थे। इसके बाद श्रीमती कुंदा जोशी और पंडित विजय रिंगे तानरंग के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी कला को निखारा। गौतम काले को विदुषी कल्पना जोकरकर जी का भी आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा है। बाद में संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी ने इन्हें अपने शिष्यत्व में लेकर इन्हें गौरव प्रदान किया। गौतम काले शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक होने के साथ साथ गीत, गजल, मराठी भावगीत और नाट्य गीतों को भी सअधिकार गाते हैं। इंदौर में अपनी संस्था के माध्यम से संगीत के प्रचार प्रसार में जुटे गौतम काले को कई मान सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें तराना सम्मान, माँ शारदा सम्मान, सुधीर फड़के इवोन्मेष पुरस्कार, रामू भैया दाते अवार्ड, यूथ आइकॉन अवार्ड आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इंदौर के स्वच्छ भारत अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। गौतम काले का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायक प्रोफेसर रोजेश प्रताप सिंह उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये मेरा बड़ा मन था कि पुस्तक लोकार्पण में सर भी रहें, लेकिन वो चूंकि थोड़ी व्यस्तता थी, तो मैं राइटर से भी, जो बुक के राइटर हैं उनको भी अनुरोध करता हूं को भी आएं और इनका सम्मान करें बुक के साथ। बनारस और लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। इन्होंने तबला वादन की शिक्षा पंडित ननकू महाराज और पंडित महापुरुष मिश्र जैसे यशस्वी गुरुओं से प्राप्त की है। वर्तमान में लखनऊ घराने के प्रतिनिधि कलाकार पंडित स्वपन चौधरी जी के मार्गदर्शन में यह संगीत की साधना कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर सक्रिय हैं। पंडित आशीष सेन गुप्ता, तो गोरे गोरे गौतम काले का स्वागत है इस मंच पर। हारमोनियम पर देश के युवा और अत्यंत सक्रिय हारमोनियम वादक श्री ललित सिसोदिया, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने दादा पंडित बापूलाल सिसोदिया और चाचा पंडित घनश्याम सिसोदिया से हारमोनियम वादन की कला सीखने के बाद डॉक्टर विनय मिश्र के मार्गदर्शन में इन्होंने इस कला को और निखारा है। और आज के ये तीनों कलाकार मंच पर आ चुके हैं, तो अपनी कद्रदानी को इस तरह भी न छुपाया कीजिए। अगर कलाकार पसंद आए तो एक बार तालियां बजाया कीजिए। तानपुरे पर चंद्रपाल जी और राकेश जी हैं, तो आज इस मंच पर चार नहीं, पांच चांद लगाने के लिए हमारे पांच कलाकार उपस्थित हैं। और कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मैं नाथ द्वारा परंपरा के सुप्रसिद्ध पखावज वादक पंडित डालचंद शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आ जाओ इन कलाकारों को सम्मानित करने के लिए। हमारे
गौतम जी आप जो गाएंगे बताते जाएंगे कृपया। और कृपया समय की सीमा का भी ध्यान आप लोग रखें। और गौतम जी आपका टाइम शुरू होता है अब। काम करता हूँ और अपना गायन राग शुद्ध कल्याण से शुरू करता हूँ। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि समय शुरू होता है अब, ये हमारे शास्त्रीय संगीत में हमने तो सुनाई सुनाई कि 4 घंटे और 5 घंटे एक आर्टिस्ट गाते थे, देखना बहुत दुभर हो गया है। तो वैसे ही 40 मिनट में कोशिश करूँगा कि जो मैं तय करके आया हूँ आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। और आप सभी की आज्ञा चाहूँगा, शुरू करता हूँ राग शुद्ध करना। तानपुरा थोड़ा रखिएगा बाहर भी थोड़ा सा। Oh.
मंगलम भगवान मंगल गरुड़ सारे
Say it.
संदेश भेजो भेजो अधिक सोच जिया da 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 sa da 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 ga 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 re 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 sa ni ni da da ba ba ga ba da sa ga ba da sa ho la ba ne ra Sag
Gavada gavada sare gavada bagare sare gare gare bagabaga bagare sabi aramura gavada gavada bagare bagare sabi aramura gare gavada gavada bagare sada sabi aramura sada sare gare sare gavada gare bi aramura gavada gavada bagare sabi aramura bagare gare gavada bagare bi aramura sagare bagada bada sare da bagare sabi Ah!
चाचरिया